नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए। शनि का 2023 में जो गोचर है वह वृष राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, वृषभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, शनिदेव 17 जनवरी 2023 को शाम को 5:04 पर अपने ही मकर राशि को छोड़कर अपने स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, शनिदेव का गोचर है वृषभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, हम उस पर बात करते हैं। जैसा कि हम आपको विदित है दोस्तों, वृषभ राशि के लिए शनिदेव नवम भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। वृषभ राशि से नवम और दशम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो दोस्तों, जब वह भाग्य भाव को छोड़कर कर्म भाव में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं एक योग कारक शनिदेव योग कारक बन जाएंगे। वहाँ पर कर्म व्यक्ति के कर्म के लिए योग कारक बन जाएंगे, वृषभ राशि वाले काफ़ी योग कारक ग्रह बन जाएंगे शनिदेव। तो दोस्तों, इस समय जो उनका गोचर है तो उसके लिए पहले मैं बात करने से पहले बता दूं कि जन्म कुंडली में जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है उसका कुछ न कुछ प्रभाव सभी राशियों पर अनुकूल और प्रतिकूल पड़ता है। और बात जब हो शनिदेव के गोचर की तो व्यक्ति के जीवन में उनका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है, बहुत बुरा परिणाम मिलता है, वह निर्भर करता है व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। क्योंकि दोस्तों, शनिदेव जो है कर्मफलदाता है, न्यायदाता है और कर्म के कारक ग्रह हैं। तो जब इनका गोचर हो और उस समय उस स्थिति में कर्म भाव में गोचर हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अनुकूलता लाते हैं, बहुत ही अनुकूल परिणाम देते हैं। तो इसमें वृषभ राशि वालों के देखा जाए तो भाग्य भाव से निकल के वह कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए जो गोचर है बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इस समय वृषभ राशि वालों के लिए कोई स्थिर वाला व्यापार, कोई स्थिर रोजगार उनको मिल सकता है, स्थिरता का रोजगार उनको प्राप्त हो सकता है। अभी अगर वो एकदम इधर उधर भाग रहे थे कि कोई काम उनके हाथ में फिक्स नहीं था कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ और करना है, तो उस आधार पर इस गोचर के दौरान वह किसी भी कार्य में स्थिर हो जाएंगे, आय के कई स्रोत बढ़ जाएंगे। इस गोचर के दौरान वृष राशि वालों के आय के कई स्रोत बढ़ जाएंगे, एक ही तरह से नहीं, जिस कार्य में है उस कार्य में पक्के खिलाड़ी भी बन जाएंगे, पक्के माहिर खिलाड़ी भी बन जाएंगे और आय के और भी स्रोत बन जाएंगे। इस गोचर के दौरान दोस्तों, बात किया जाए कि अगर वृषभ राशि वाले बाहर जाना चाहते हैं, विदेश से पैसा कमाना चाहते हैं, विदेश जाकर सेट होना चाहते हैं, तो इस स्थिति में विदेश से भी अच्छा खासा वो पैसा इनकम अर्न कर सकते हैं, वहाँ से भी उनको बहुत अच्छा खासा लाभ मिलेगा। इस गोचर के दौरान ये पारिवारिक में थोड़ा सा मतभेद दिख रहा है कि पारिवारिक मतभेद रहेगा, और मुझे उससे इसलिए दिख रहा है क्योंकि कर्म जब व्यक्ति काम में व्यस्त होता है, व्यस्तता ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं परिवार में उलझने होता है, वो भी जब अपने परिवार को आप समय देंगे तो थोड़ा मोटा वो जो भी मनमुटाव रहेगा वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद चल रहा था, कुछ दिक्कत चल रहा था, तो वो भी इस गोचर के दौरान सुलझ जाएगा। जो भी समस्या जीवन साथी के साथ में था वो भी ठीक होने के योग दिख रहे हैं। लेकिन बस यही है दोस्तों कि जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जब कुंडली में कितने भी अच्छे योग बन जाए उसके लिए आपको इच्छा प्रकट करना पड़ेगा। जब आप इच्छा प्रकट करते हैं तो डेफिनेटली 100% आपके जीवन में उसका लाभ मिलता है। जब भी आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह दशा, कोई ग्रह योग बनता है तो उस स्थिति पर निर्भर करता है कि आपके जन्म कुंडली में किसकी दशा चल रही है, कौन से शुभ ग्रह हैं, उस पर निर्भर करता है आपको फल मिलना है। लेकिन यह शनिदेव का गोचर जो वृषभ राशि वालों के लिए दोस्तों बहुत ही उत्तम है, धन के माने में, आय के माने में अच्छा खासा आय करेंगे, नौकरी हो या व्यापार हो उसमें स्थिरता आएगी, उसमें अच्छे खासे उनके मान सम्मान बढ़ेंगे, पदोन्नत की आशा रहेगी, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में नई नई सोच लाकर व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, स्थिर व्यापारी बनेगा, किसी एक काम को लेकर स्थिर हो जाएगा, स्थिर रोजगार व्यक्ति को इसमें मिल जाएगा। यदि व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं आप तो नौकरी में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, पदोन्नत के चांसेस ज़्यादा है, आपको ऐसे धन भी मिलेंगे जहाँ पर आपका थोड़ा सा प्रयास हुआ है वहाँ से आपको अच्छा खासा धन भी मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव का गोचर हो रहा है, अगर देखा जाए भाग्य भाव आपके कर्म भाव में, भाग्य भाव का स्वामी आपके कर्म भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा यह गोचर है। बस करना क्या है, आपको प्रयास करना है। अगर आप प्रयास करेंगे, आप अपनी इच्छा को रखेंगे तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुभ फल देगा। और जो भी आपने अभी तक सोचा है आपके जीवन में सब कुछ, सारी सफलताएं आपको मिलेगी, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव उनके भाग्य भाव के स्वामी होकर इसमें कर्म भाव में जाकर प्रवेश कर रहे हैं। तो कर्म भाव और भाग्य भाव दोनों पे उनका आधिपत्य है, और इस पे जब आप उनका गोचर हो रहा है तो आप समझिए कि आपको बहुत ही बढ़िया फल मिलने वाला है। इस फल को प्राप्त करने के लिए बस एक ही चीज़ है, इच्छा और कर्म, दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों नमस्कार।